बैक टू द चैनल। और ये वाली लाइन मैं बहुत टाइम से बोलना चाहता था, क्योंकि जो मेरा लास्ट व्लॉग था वो मैंने बनाया था नवंबर में, जब मैं जयपुर गया था। उसके बाद से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया। 3 साढ़े 3 महीने से मैंने बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि बीच में मैंने एक रिक्रिएशन वीडियो बनाई थी सुपर चोर वाली, इसको आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और सपोर्ट किया, तो सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू। ये वाली वीडियो जो हमने स्टार्ट करी थी, तो मुझे नहीं पता था कि इस वीडियो को शूट करने में और एडिट करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उस वीडियो को कम्प्लीट करने में पूरा 1 महीना लग गया था, जिसकी वजह से मैं अपने ब्लॉगिंग वाले ट्रैक से एकदम हट चुका था। और पता नहीं किस घड़ी में मैंने वो वीडियो स्टार्ट की थी, मेरे अंदर एकदम डाउनफॉल आता चला गया था। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रहता था, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता था, और मेरे साथ कुछ भी ना ढंग की चीज़ हो ही नहीं रही थी। बस दुआ है भगवान से कि मेरी ये सोलो ट्रिप एकदम अच्छे से बीत जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड है मुझे एक ट्रिप की। तो मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश और एकदम सोलो जा रहा हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं सोलो राइड कर रहा हूँ, सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ। बहुत ही दिली इच्छा थी मेरी, आज ये मेरी इच्छा पूरी हुई है। अभी एकदम ऑल सेट, एकदम रेडी टू लीव, बस अपनी कैब का वेट कर रहा हूँ। कैब आने वाली है 2 मिनट में। अभी 10:40 हो चुके हैं और 11:30 की मेरी बस है ISBT कश्मीरी गेट से। और अभी ना मैं आपको अपने दोनों बैग दिखाता हूँ, जो बैग मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मैं 2 ही बैग लेके जा रहा हूँ। पहले वाला तो ये मेरा फेवरेट बैग, मेरा ट्रैकिंग बैग है। इसके अंदर मेरे कपड़े हैं, मेरे शूज़ हैं, बहुत सारी टॉयलेटरी रखी हुई है। और दूसरा बैग भी, ये भी मुझे बैग बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर मेरा सारे कैमरा इक्विपमेंट्स है, जिसकी हेल्प से मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकता हूँ। अभी हो रहे हैं रात के 2:45 और हमने अपना पहला और आखिरी ऑर्डर लिया है। बस यहाँ पे 20 मिनट के लिए रुकी है। तो ये जो जगह है, ये है खतौली, और ये मुजफ्फरनगर से कुछ 20 किलोमीटर पहले पड़ती है। और अभी भी 3 घंटे लगेंगे हमें ऋषिकेश पहुँचने में। फाइनली मैं ऋषिकेश पहुंच चुका हूं, एंड राइट नाउ इट्स 6:15 इन द मॉर्निंग। अब घर से निकलने से पहले ही मैंने हॉस्टल ऋषिकेश में अपनी डॉर्मेट्री, अपना बेड बुक करा लिया था। अब दिक्कत बस इतनी सी ये है कि जो मेरा चेक इन टाइम है वो 10 बजे का है, और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। हालांकि जो हॉस्टल है वहाँ पर कॉमन रूम होता है, कैफेटेरिया होता है, वहाँ पर वेट कर सकते हो। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं एंड आई मैनेज टू स्लीप ऑलमोस्ट 2 आवर्स। और मैंने ये सोचा कि जो मेरा टाइम है उसको थोड़ा यूटिलाइज करता हूँ और आप लोगों को एक हॉस्टल ऋषिकेश का पूरा टूर करा देता हूँ। बेसिकली मेरा 3rd टाइम है हॉस्टल में। इससे पहले मैं हॉस्टल बॉम्बे में रुका हूँ, देन मैं रुका था हॉस्टल उदयपुर में, और ये वाला है 3rd हॉस्टल ऋषिकेश। कुछ ऐसी है हॉस्टल ऋषिकेश की डॉर्मेट्री, यहाँ पे 8 अलग अलग बेड लगे हुए हैं। ये वाला बेड मेरा है, और यहाँ पे 8 अलग अलग लॉकर लगे हुए हैं, और उस तरफ है वॉशरूम। हालांकि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी बहुत ज़्यादा हाई थी, क्योंकि जो बॉम्बे वाला हॉस्टल था और जो उदयपुर वाला हॉस्टल था वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मतलब ओवरऑल ये वाला हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर जो ये रूम है वो मेरे को इतना अप टू द मार्क नहीं लगा। सो दोपहर के 12 बज चुके हैं और मैं निकल पड़ा हूँ अपने सफ़र पे ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने। मैं ऋषिकेश पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ, पर ब्लॉगिंग पर्पस के लिए पहली बार आया हूँ, और ये तो सोलो ट्रिप है तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँगा। अब आज का दिन स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है मैं कुछ खा लूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, इसलिए मैं आया हूँ। ये कैफ़े का नाम है फॉरेस्ट फैक्ट्री। खाना खा लिया है, एनर्जी आ चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ अपने पहले स्टॉप पर। और मेरा पहला स्टॉप है आज का नीम बीच। नीम बीच की 1 किलोमीटर की वॉक है हॉस्टल से। ऋषिकेश के और आज के अपने पहले स्टॉप पे मैं आ चुका हूँ, और ये है नीम बीच। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बोलूँ ना इस जगह के बारे में, आप ज़रा अपने आप ही देखें। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरे पास वर्ड्स कम पड़ गए हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि क्या खतरनाक व्यू है मेरे सामने। शांति है इस जगह पे यार, बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे।
पीस मिल रहा है एक अलग ही लेवल का। लोगों ने एक बहुत ही गलत इमेज बना दी ऋषिकेश की, कि ऋषिकेश में बस एडवेंचर होता है, पर ऐसा नहीं है। ऋषिकेश जाना जाता है अपनी मेडिटेशन की वजह से, अपनी पीस की वजह से और अपनी योगा की वजह से। और एक बहुत बड़ा रीज़न यही था कि जो मुझे सोलो ट्रिप पर आना था ना ऋषिकेश पर, वो इसलिए ही आना था क्योंकि मुझे पीस चाहिए था। ये सोलो ट्रिप नहीं है, ये एक सेल्फ एक्सप्लोरिंग ट्रिप है। मुझे अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, और ज़्यादा देखना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ या फिर क्या मुझे अपने फ्यूचर के लिए करना है। परफेक्ट जगह है, बस यहाँ पे बैठो, थोड़ा चिल करो, अपने दिमाग को शांति दो और फिर सोचो आपको फ्यूचर में क्या करना है। एकदम परफेक्ट लोकेशन है, ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से थोड़ी सी धूप पड़ रही है, सामने गंगा मैया। पिछले 1.5 घंटे से वहीं बीच पे बैठा था, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे आगे भी जाना है। तो अब मैं निकल पड़ रहा हूँ अपने सेकंड स्टॉप के लिए जो कि है लक्ष्मण झूला। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं आ रहा था यहाँ पे नीम बीच तो मैंने नोटिस नहीं किया था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा स्लोप है। ज़रा आप स्लोप देखो, फिलहाल प्लान में थोड़ी तब्दीली आ चुकी है। मैं जाने वाला था लक्ष्मण झूला, पर मैंने सोचा कि नहीं पहले मैं निकल जाता हूँ नीर वाटरफॉल, क्योंकि सबने मुझे यही बोला कि अगर आपने अभी नीम बीच देख लिया है तो आज के दिन जाके आप नीर वाटरफॉल देख के आओ। तो मैंने सोचा कि सही है, मैं अभी वाटरफॉल देखने जाता हूँ। अब वाटरफॉल है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, मैंने कहा भाई इतना तो मैं वॉक करके नहीं जा सकता, इसलिए मैंने ये स्कूटी रेंट कर ली, एकदम नई चमचमाती एक्टिवा है। अभी भी जो वाटरफॉल है वो 300 मीटर ऊपर है, 300 मीटर की चढ़ाई बची है। मैं यहाँ पे बस इसलिए रुका हूँ कि आप लोगों को ज़रा व्यू दिखा सकूँ। मेरे पीछे जो रास्ता है ये एक अंदर कहीं जंगल की तरफ जा रहा है, क्योंकि उस तरफ पहाड़ी के सब जंगल ही है, आसपास यहाँ पे जंगल है, कोई नहीं है दूर दूर तक, बस लोग या तो हाइकिंग करते हुए आ रहे हैं या फिर स्कूटी बाइक लेके आ रहे हैं जिन्हें वाटरफॉल पर जाना है। अब मैं अपने आज के दूसरे स्पॉट पे आ चुका हूँ जो कि है नीर वाटरफॉल। यहाँ पे सारी जो स्कूटी है, बाइक है, कार है, जो भी है आपको यहाँ पे लगानी पड़ती है। ये जो ट्रैक है कहने के बस 1 किलोमीटर का है, पर बहुत ही खतरनाक ट्रैक है क्योंकि बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, जिसकी वजह से हवा एकदम टाइट हो चुकी है, पर कोई नहीं करनी तो है ही। आप लोगों को एक बात नहीं पता होगी, क्या से 1.5 महीने पहले जब मैं सुपर चोर वाली वीडियो कर रहा था तो शायद एक सीन में, मोस्ट प्रोबेबली इस वाले सीन में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मेरी बैक इंजरी हो गई थी। बैक इंजरी भी ऐसी कि माइनर डिस्लिप हो गई थी, पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी बैक को दोबारा ठीक करने के लिए, रेस्ट भी काफ़ी किया। और आज 1.5 महीने के बाद जब मैंने एक ही दिन में 2 अच्छी खासी ट्रैक कर लेना, तो अब लग रहा है कि रमन सिंह सही काम किया तूने एकदम। अब वाटरफॉल से आने के बाद मैं सीधा अपने रूम पे आया, सारे अपने इक्विपमेंट्स को चार्ज किया और खुद को चार्ज किया, 1.5 घंटा सो लिया। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, अब मैंने सोचा है कुछ टेस्टी सा खाना खा लूँ और उसके बाद लक्ष्मण झूला देखने जाता हूँ और आज के दिन को वहीं पे एंड करता हूँ। खाने के लिए तो मैंने बहुत ही अमेजिंग जगह ढूंढी है, प्योर सोल कैफ़े एंड ऑर्गेनिक किचन उसका नाम है। प्रॉपर वहाँ पे योगा फूड मिलता है, मतलब कि हेल्दी फूड मिलता है, तो मुझे तो वैसे ही खाना पसंद है। अब मैं वहाँ पे जाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। मैं आ चुका हूँ ऋषिकेश की सबसे फेमस जगह लक्ष्मण झूला और ये मेरा आज का लास्ट स्टॉप है।
मेरे पीछे आपको जो ये लाइन दिखाई दे रही है ये लक्ष्मण झूला है। अब लक्ष्मण झूला के बारे में मैं क्या बताऊं, तो आप लोगों को पता ही होगा सबसे फेमस जगह ऋषिकेश की। लक्ष्मण झूला फेमस इसलिए है क्योंकि जब हम इसे वॉक करते हैं तो ये हिलता है, और थोड़ा बहुत नहीं हिलता है, बहुत ज़्यादा हिलता है। हिलने का रीज़न इसका यही है क्योंकि इस पे नीचे कोई पिलर नहीं है, पूरा ये सस्पेंशन पे बेस है, पूरा केबल के ऊपर बना हुआ है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा हिलता है ये। मैंने ये सोचा कि कल सुबह मैं लक्ष्मण झूला और राम झूला दोनों आऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली रात में जो फन है उससे ज़्यादा फन इसको सुबह देखने में आएगा, क्योंकि सुबह गंगा जी एकदम क्लियर दिखाई देगी। अब बस मैं एक डेढ़ घंटा यहीं पे बैठूंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। पीछे लोग गा रहे हैं, कुछ लोग शांति से बैठे हुए हैं, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, तो सही है, मैं भी अपना आराम से बैठूंगा, देखता रहूंगा टाइम को बीतते हुए। और बस आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे अभी मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग में थोड़ा वापस आता हूँ, ट्रैक पे वापस आता हूँ, और अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। तो बस तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो, दिल्ली रहो, हैदराबाद रहो, चंडीगढ़ रहना चंडीगढ़ रहो, जहाँ रहना है वहाँ रहो, पर एकदम खुश रहो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।